मैंने ना एक स्कैम किया है स्कैमर के साथ तो हुआ ये था कि आपको ना कभी कभी टेक्स मैसेज आता है कि पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो इधर कॉन्टैक्ट करो ऐसे हाँ। करके कोई टेलीग्राम का लिंक आएगा और बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफ़र है कि आप ना दिन के हज़ार रुपये कमा सकते हो ऐसा कुछ बता देंगे जो अनरियल है कोई जॉब में तो मिल नहीं रहे हैं ऐसे मतलब ज़्यादा मोस्ट जॉब्स में तो आप टेलीग्राम पे जाते हो कोई एक हॉट सी लड़की की फोटो होती है नॉट वलगैरिटी वाला हॉट डिसेंट हाँ, मतलब प्रोफेशनली हॉट कि जिससे आप बात करना चाहोगे हाँ. और फिर आप हाई मैम करके पीछे पड़ जाते हो हाँ, <laughs> मतलब मैं मैं कर रहा हूँ कि उनको क्या मैसेज आते हो हाँ, हाँ. और मैंने भी यही मैसेज लिखा क्योंकि मैं तो विक्टिम बनना चाहता था अच्छा मैंने कहा मैम मेरे को जॉब की जरूरत है बताओ क्या करना है तो मैम बोलती है मैम ने पहले तो पूरा कॉपी कर रखा था बहुत बड़ा सा रूल दिया कि दीज आर द रूल्स आर यू ओके विद दम मैंने कहा हाँ मैम सब बढ़िया है कुछ कुछ बेसिक बेसिक कि आप ये किसी को बताओगे नहीं या ये इतने घंटे का काम होता है आप इतना करोगे तो आपको इतना मिलेगा मैंने कहा हाँ ठीक है सब करेंगे आप बताओ तो बोलती है ठीक है रेडी फॉर योर फर्स्ट टास्क बोले ठीक है मैंने मैंने बोला रेडी तो बोलती है ये गूगल गूगल मैप्स का कोई लिस्टिंग है जाओ इस पर फाइव स्टार रिव्यू दो स्क्रीन शेयर करो तो आपको पाँच सौ मिल जाएंगे मैंने करा फिर मैंने कहा पाँच सौ कब दोगे तो बोले अब ये दूसरी हॉट मैम है ये हमारी सीनियर अकाउंटेंट है इनके पास जाओ और इनके साथ ये कोड शेयर करो ये कोड इनको बताओगे तो आग, आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी और फिर आप अपना बैंकिंग डिटेल्स इनको बताना पैसे आ जाएंगे और पैसे आ गए तो पाँच सौ तो आ गए तो अब ज़्यादातर लोगों को लगता है यार सही है पहले बार पहली बार पाँच आ गए हज़ार आ गए तो मतलब स्कैम थोड़ी है मतलब लेजिट काम है आई एम आई एम इन आ जॉब ना हो मेरे को बस रिव्यू डालने और पैसे मिलने फिर आपको दूसरी बार भी पाँच सौ आ जाएंगे तीसरी बार भी आ जाएंगे फिर वो बोलेंगे ये तो था फ्री ट्रायल अब आपको और पैसा कमाना है तो एक बड़ा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें तीन चार हज़ार लोग हैं वहाँ पे रोज़ के टास्क आते हैं बट उसमें जाने के लिए या टास्क उठाने के लिए आपको एंट्री फीस देनी है और एंट्री फ़ीस के भी स्लैब्स हैं पाँच सौ दोगे तो आप सौ वाले टास्क कर सकते हो हज़ार दोगे तो आप पाँच वाले टास्क कर सकते हो वगैरह वगैरह तो मैंने कहा चलो ठीक है मैंने हज़ार पंद्रह कुछ दिए और टास्क करना स्टार्ट हो गया तो मैंने कहा अब ये पैसे मांगेंगे ना तो मैं इनको बार बार उन्होंने वापस पैसे मांगे कि यार और टास्क के लिए और पैसा तो मैंने कहा मैम पर पुराने वाला टास्क जो कम्प्लीट हो गया उसका पेमेंट तो क्लियर करा दो तो इनको समझ आता है कि अगर कोई बंदा मांग रहा है ना तो उनको ये नहीं बोलना है कि नहीं पेमेंट बाद में मिलेगा तब तक तो बंदा डिस्करेज हो जाएगा तो उसका पेमेंट ये लोग कर देंगे तो मैंने पाँच सौ पाँच सौ हजार हजार पंद्रह पंद्रह सौ पंद्रह सौ करके ब्रेक इवन करके प्रॉफिट कर लिया वो जितना मुझसे मांग रहे थे उससे ज़्यादा मैंने उनसे लिया था वो फिर भी क्यों काम कर रहे थे क्योंकि ना स्लैब धीरे धीरे बढ़ रहा था एक बार आप हज़ार रुपये की एंट्री ले रहे हो उसके बाद आपको जो नई स्लैब्स ऑफर करी जाएंगे वो हज़ार से ज़्यादा ही हैं अब आपको पंद्रह से स्टार्ट करना है दो हजार से तो वो पहुँचाना चाहते हैं मेरे को दस बीस तीस हज़ार पे जहाँ पर एक बार मैंने वो पैसे दे दिए फिर वो मुझे ब्लॉक कर देंगे सट्टा है बेसिकली हाँ और तो मैंने भी दस हज़ार का बजट ले रखा था मेरे को भी एक्सपेरिमेंट करना था कि चलो ठीक है करते हैं तो मैंने करीब सात आठ हज़ार रुपये कमाए थे उसके बाद उनका स्कैम कहीं ना कहीं किसी और से बस्ट हो गया होगा तो दे डिलीटेड देर टेलीग दे हैड हाँ रन क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक्सपोज हुए होंगे इतना वैलिड तरीका बताया था को और पैसा तो बहुत कॉमन है बट ये बहुत ये बहुत रिस्की तरीका है मैं बहुत टेंशन में आ गया था मेरे बैंक अकाउंट में तब पैसे भी थोड़े ज्यादा थे तो Uh, मैंने न्यूज़ में कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था कि हम सबके अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि हमारे साथ स्कैम हो रहा है तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी आपके अकाउंट फ्रीज हो गए hmm. तो मैं टेंशन में आ गया मैंने कहा अब मैं क्या इस अकाउंट को खाली रखता हूँ फिर दूसरे अकाउंट में पैसा डालता हूँ क्योंकि hmm. मेरा पैसा ही ब्लॉक हो जाएगा जस्ट बिकॉज मेरे साथ स्कैम हुआ है या फिर मैंने उनको थोड़ा सबक सिखा दिया क्या अद्भुत कहानी है भाई आप इतने इन्वॉल्व हो गए स्कैम को करने में